या बहुत लोगों के मन में सवाल है कि आप जेल से निकले हैं तो इसमें कितना खर्चा आपका हो गया होगा लगभग? इनकम टैक्स को हम जवाब दे देंगे इसका। ये सब सवाल जो है पूछा नहीं जाता है क्योंकि आप जब जेल के अंदर गए थे तो आपका अकाउंट का जो पैसा था फ्रीज कर दिया गया था, उस पैसे का अब क्या होगा? उस पैसे का कोर्ट में है केस, वो केस हम लोग जीतेंगे और जो होने वाला होगा होगा। बहुत लोग कहते हैं कि आपको राजनीति के तहत फंसाया गया है, क्या ये सच है? आप अपना दाहिना हाथ जो है बायां साइड दिल होता है उस पे रख के देखिए और पूछिए अपने दिल से कि क्या हुआ था, बताइए। आप बताइए, लोगों का कहना है कि अरे आप बताइए ना, आप बताइए ना क्या हुआ था मेरे साथ? हमें तो लगता है फंसाया गया था, बाकी आपके लगता है अभी भी लगता है? आप पत्रकार हैं, आप जज कीजिए, या तो मैं गलत हूँ या तो मैं सही हूँ। अगर आपके नजर में मैं गलत हूँ तो गलत बोल दीजिए, आपके नजर में मैं सही हूँ तो सही बोल दीजिए, बात नहीं। नहीं, आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन पूरे बिहार वासी इस बात को जानता है कि आपके साथ जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन आप क्या इसमें कहना चाहते हैं? हम क्या कहेंगे, आप बताइए ना, हम आप ही से पूछ रहे हैं, आप खुद ही निर्णय कर लीजिएगा कि गलत हुआ कि मेरे साथ सही हुआ। इंसान को जो है भारत रत्न मिलना चाहिए, इस पर भी मैंने बात किया। उनके परिवार की स्थिति आज जो आप लोग मेरे पास आए हैं, जाइए ना, देखिए हम मीडिया का काम क्या है और हम कर क्या रहे हैं। अगर मीडिया हम लोगों को कोई नहीं समझता, यूट्यूबर ही समझता है, तो हमारा काम क्या है और हम कर क्या रहे हैं हमें समझना होगा। जाइए उनके बेटा का स्थिति दिखाइए, आज भी वो लोग झोपड़ी में रहने को मजबूर है, आज भी उनके पास कुछ नहीं है, कोई संसाधन नहीं है। तो दशरथ मांझी का परिवार जो है आज भी संघर्ष कर रहा है, तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए मैं वहाँ पे गया था। भैया बहुत लोगों के मन में सवाल है कि आप जेल से निकले हैं तो इसमें कितना खर्चा आपका हो गया होगा लगभग? इनकम टैक्स को हम जवाब दे देंगे इसका। ये सब सवाल जो है पूछा नहीं जाता है क्योंकि हमको खुद ही नहीं पता है कि हम जेल के अंदर थे, हम खाता बही लेके बैठे थोड़े थे अंदर वहाँ कि हाँ भाई हाई आया तो इतना पैसा, हाई आया तो उतना पैसा। अब दोस्त लोग जाते थे, वो अपना खर्चा करते थे, अलग अलग दोस्त थे, वो अपना खर्चा करते थे। इस सवाल है आपका जो है, चलिए ठीक है। सर एक सवाल और है, जैसे कि आप जब जेल के अंदर गए थे तो आपका अकाउंट का जो पैसा था फ्रीज कर दिया गया था, उस पैसे का अब क्या होगा? उस पैसे का कोर्ट में है केस, वो केस हम लोग जीतेंगे और जो होने वाला होगा होगा। बहुत लोग कहते हैं कि आपको राजनीति के तहत फंसाया गया है, क्या ये सच है? आप अपना दाहिना हाथ जो है बायां साइड दिल होता है उस पे रख के देखिए और पूछिए अपने दिल से कि क्या हुआ था, बताइए। आप बताइए, लोगों का कहना है कि अरे आप बताइए ना, आप बताइए ना क्या हुआ था मेरे साथ? हमें तो लगता है फंसाया गया था, बाकी आपके लगता है अभी भी लगता है? आप पत्रकार हैं, आप जज कीजिए, या तो मैं गलत हूँ या तो मैं सही हूँ। क्योंकि आपके नजर में मैं गलत हूँ तो गलत बोल दीजिए, आपके नजर में मैं सही हूँ तो सही बोल दीजिए, बात नहीं। नहीं, आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन पूरे बिहार वासी इस बात को जानता है कि आपके साथ जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन आप क्या इसमें कहना चाहते हैं? हम क्या कहेंगे, आप बताइए ना, हम आप ही से पूछ रहे हैं, आप खुद ही निर्णय कर लीजिएगा कि गलत हुआ कि मेरे साथ सही हुआ। भैया कैसा महसूस कर रहे हैं जेल से निकलने के बाद, 9 महीने बाद आप निकले हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। बाकी जनता का प्यार कैसा मिल रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और भैया कुछ कहना चाहेंगे बता सकते हैं? जय हिंद, जय हिंद। दोस्तों अभी हम भैया से बातचीत कर रहे थे, बाकी बहुत सारे हमारे मन में सवाल है लेकिन पूछ नहीं पाए अभी उस हिसाब से। हम अभी दूर से हैं, ठंडी थोड़ा सा लग रहा है, हाथ मेरा कांप रहा है, काफी दूर से आए हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे और बात करेंगे, सुबह में हम बात करेंगे। लेकिन एक बात देखिए, हमको बहुत खुशी मिला कि आज जितने भी आप लोग भी हमसे सवाल किए हैं और आज हमको खुशी मिल रहा है कि हम तो एक कलाकार हैं, जादू तो दुनिया में है नहीं, बाकी सोशल मीडिया भी मेरा 20 मिलियन 25 मिलियन वीडियो गया, सब में बताते हैं कि हाथ कला है। और हम मनीष भैया के लिए कुछ बोले भी थे, आज मनीष जी के साथ में हम हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं और गौर से देखिएगा, जो हम बोले वो सही हुआ कि गलत हुआ, क्योंकि इस दुनिया में सच जो है परेशान हो सकता है मगर उसको कोई हरा नहीं सकता है, इतना याद रखिएगा, सच जो है सच ही होगा। जय हिंद।